وإياك نستعين. میرے کشمیری بہن بھائیوں، وزیر اعظم آزاد کشمیر سید عبداللہ گیلانی حریت سے میں آج میرپور ایک خاص وجہ سے آیا ہوں۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، یہاں آنے کا مقصد جو ہمارے مقبوضہ کشمیر میں تقریباً 80 لاکھ تقریباً 80 لاکھ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہماری بہنیں، ہمارے بچے، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان جس طرح 5 اگست کے بعد وہ ایک مشکل ترین امتحان سے گزر رہے ہیں، آج اس میرپور کے جلسے کا مقصد ان کو ایک پیغام دینا ہے کہ صرف آزاد کشمیر کے لوگ نہیں، صرف آزاد کشمیر کی عوام نہیں، سارا پاکستان آج مقبوضہ کشمیر کی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ آج ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ اپنے ایمان والے لوگوں کو قرآن میں کہتا ہے، یہ غور سے سنیں، وہ کہتا ہے ہر مشکل کے بعد میں آسانی دیتا ہوں، اور اللہ کو جو سب سے ایک سب سے انسان میں صفت جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ مشکل وقت میں جب ایک انسان صبر کرتا ہے۔ تو میں اپنے مقبوضہ کشمیر کے عظیم انسانوں کے لیے آج پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے ایک بڑا اچھا وقت آنے والا ہے۔ نریندر مودی نے جو 6 مہینے پہلے حماقت کی، میرے بھائی اور بہنوں، یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کے کانوں اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں، ان کی عقل پہ پردے ڈال دیتا ہوں، اور نریندر مودی نے 5 اگست کو وہ قدم اٹھایا اور وہ قدم تکبر میں اٹھایا۔ یہ تکبر ہے جس میں انسان حماقت کرتا ہے، اور اس نے وہ غلطی کی جو میں آج آپ کے سامنے اللہ پہ ایمان رکھ کے پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب کشمیر آزاد ہوگا۔ میرے بہنوں بھائیوں، پانچ اگست سے پہلے دنیا کشمیر کو بھول چکی تھی، کوئی نام ہی نہیں لیتا تھا کشمیر کا۔ پاکستان کے جو سربراہ تھے وہ بھی دنیا میں نام نہیں لیتے تھے کشمیر کا، دنیا کشمیر کو بھول گئی تھی۔ ان 6 مہینے میں کیا ہوا ہے؟ ان 6 مہینے میں آج وہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا
जो इससे पहले 50 साल हिंदुस्तान पूरी कोशिश कर गया कि कश्मीर इंटरनेशनलाइज ना हो। हिंदुस्तान हमेशा कहता था कि कश्मीर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बायलैटरल मसला है, बाहर से कोई भी मुल्क अगर कश्मीर की बात करता था कहता था ये हमारा अंदरूनी मसला है। पाकिस्तान जब बात करता था कश्मीर की तो हिंदुस्तान हमें कहता था कि मकबूजा कश्मीर की बात ना करो, आजाद कश्मीर की बात करो। तकब्बुर था, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। पाकिस्तान के जो इस्लामी ममालिक में दोस्त थे वो भी कश्मीर की बात नहीं करते थे। एक जो बड़ा कदम उठाया उसने तकब्बुर में, और वो तकब्बुर क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीता और सारे इलेक्शन में सारा वक्त उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा, कहता मैं हिंदुस्तान का चौकीदार हूं, मैं पाकिस्तान को सबक सिखाया। बालाकोट में उसने हमारे दरख्त शहीद करके और आपको पता है कि मुझे खास तकलीफ होती है जब हमारे कोई दरख्त गिराए तो हमारे दरख्त शहीद करके कहता कि मैंने 350 पाकिस्तान में दहशतगर्द मार दिए हैं। फिर कहता पाकिस्तान के 2 जहाज गिरा दिए हैं। और आप सब जानते हैं कि पुलवामा के बाद हुआ क्या। पाकिस्तान, हमने उन्हें कहा कि हम जंग नहीं चाहते, हम पुरअमन तरीके से अपने मसले हल करना चाहते हैं। उनका जो वो पायलट गिरा, वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला, हमने फौरी वापस कर दिया उसको। एक मुल्क पुरअमन मुल्क है, हम दुनिया में आज वो पाकिस्तान है जो दुनिया में मसले हल करता है। हमने पूरी कोशिश की कि ईरान और हमारा दोस्त सऊदी अरेबिया और हमारा हमसाए कि इनमें लड़ाई ना हो, इनके अंदर पूरी हमने कोशिश की कि टेंशन कम हो। अफगानिस्तान में आज पूरी पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन हो। हम एक पुरअमन मुल्क हैं तो हमने फौरी तौर पे वो बड़ी बड़ी मूछों वाला पायलट वापस कर दिया। लेकिन नरेंद्र मोदी सारी इलेक्शन कैंपेन में उसने पाकिस्तान को बुरा भला कहा कि मैंने सबक सिखाया, पाकिस्तान ने डर के पायलट वापस कर दिया। सारी इलेक्शन कैंपेन में उसने अपने इंतहा पसंद आरएसएस के जो वोट बैंक था उसको उसने खड़ा किया नफरतों के ऊपर। जब भी मेरे बादशाहूर मीरपुर के लोगों, जब भी कोई लीडर अपनी कैंपेन नफरत पे करता है, जब भी किसी कैंपेन में किसी भी इंसानों के खिलाफ आप नफरत के ऊपर वोट लेते हैं, ये मेरी आज पेशन गोई सुन लें, हमेशा तबाही होती है। इलेक्शन जीत जाते हैं, बाद में तबाही होती है। तो फिर जब वो इलेक्शन जीत गया तो उसने सोचा कि अब मैं वो कश्मीर में करूं जो आरएसएस का मैनिफेस्टो था कि कश्मीर का आर्टिकल 370 खत्म करके और कश्मीर के ऊपर अपनी फौज भेज के और कश्मीरियों को कर्फ्यू डाल के बंद कर दो। लेकिन हुआ क्या है? अल्लाह कुरान में कहता है कि एक प्लान इंसान बनाता है
और दूसरा प्लान अल्लाह बनाता है, और कामयाब एक ही प्लान होता है। उसने अपनी तरफ से कश्मीर का मसला ही खत्म किया, और अल्लाह का करना है कि आज कश्मीर जिस तरह इंटरनेशनलाइज हुआ है, 50 सालों में कभी किसी ने कश्मीर की बात ही नहीं की थी बाहर। आज मीरपुर के लोगों 6 महीने में 3 दफा कश्मीर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इजलास में डिस्कस हुआ, 3 दफा। यह 1965 के बाद पहली दफा हुआ है। 150 अमेरिकन और बर्तानिया के लेजिस्लेचर्स, 150 ने कांग्रेस में अमेरिका में और बर्तानिया की पार्लियामेंट में इस इशू को उठाया, जो पहले कोई चुप थे। फिर यूरोपियन यूनियन के 600 मेंबर पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान को यूरोपियन पार्लियामेंट में उन्होंने कश्मीर के ऊपर कहा है कि हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है और कश्मीरियों को, कश्मीरियों पर से कर्फ्यू उठाओ। ये कभी पहले नहीं हुआ था। उसके अलावा मीरपुर के लोगों सुनो, जिस तरह अल्लाह ने कर्म किया कश्मीरियों के ऊपर, तो मुझे पता है कि जुल्म हो रहा है, और हमें पता है कि वो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। मेरे कश्मीर के 80 लाख लोगों जो मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, हमारी सबकी दुआएं आपके साथ हैं। हम आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैं इंशाल्लाह, मैंने वादा किया था मैं आपका सफीर बनूंगा। आज यहां मैं वजीर आजम पाकिस्तान की तरह नहीं खड़ा, कश्मीर का सफीर बन के खड़ा हुआ हूं। मैंने 5 अगस्त के बाद जिस भी दुनिया के लीडर से बात की, सबसे ज्यादा मैंने उनको कश्मीर से आगाह किया कि क्या जुल्म हो रहा है कश्मीर पे। 3 दफा अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से बात की, बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से मैंने न्यूयॉर्क में मीटिंग की और बात की और समझाया उसे, बट जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल, 2 दफा मैंने उसके साथ बात की और समझाया कश्मीर में क्या हो रहा है। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं रूस के, उससे न्यूयॉर्क में समझाया कश्मीर इशू। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन, उससे आधा घंटा मैंने बात की। जो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो जो अभी प्राइम मिनिस्टर बने, उससे मैंने पूरी तफसील में समझाया कि कश्मीर में क्या हो रहा है। इसका मतलब क्या कि आज दुनिया कश्मीर के लोगों के हालात जान गई है, और आज यही वजह है कि जो प्लान था आरएसएस का, मकबूजा कश्मीर के लोगों का खून करना, उनके ऊपर दहशत फैलाना, उनको इतना खौफजदा करना कि वो कबूल कर जाएं जो नरेंद्र मोदी ने किया कश्मीर में, वो नहीं कर सके। क्योंकि दुनिया आप देख रही है, दुनिया आज डिमांड कर रही है कि कश्मीर में से कर्फ्यू उठाओ, उनके लीडरों को रिहा करो, जिन लोगों को जेलों में डाला है जेलों से निकालो, इंटरनेट कम्युनिकेशन जो सिस्टम है उसको फिर से बहाल करो। ये आज दुनिया डिमांड कर रही है, और इसलिए मुझे आगे कश्मीर का बड़ा अच्छा वक्त नजर आ रहा है। ये ज्यादा देर तक अब कर्फ्यू नहीं रख सकेगा,
इनको कश्मीर के लोगों से जिस दिन कर्फ्यू हटाएगा, मीरपुर के लोगों आज मेरी बात याद रखना, जिस दिन कर्फ्यू उठेगा एक इंसानों का समुंदर निकलेगा, इंसानों का समुंदर निकलेगा। और एक ही आवाज आएगी। क्या आवाज आएगी? आजादी, आजादी की आवाज आएगी। और इंशाल्लाह ये जब आजादी की आवाज आएगी, उसके बाद नरेंद्र मोदी के पास कोई और पत्ता खेलने के लिए नहीं रह जाएगा। उसके बाद ये कश्मीर, जिन लोगों ने 70 साल से उसे आजादी की जद्दोजहद तो पहले की चल रही थी, 1850 से चल रही थी, लेकिन जो 1947 के बाद आजादी की तहरीक चली और बिलखसूस 30 साल पहले जो कश्मीर में आजादी की तहरीक चली, जो तकरीबन 1 लाख कश्मीरियों ने शहादत दी, आज इस मुश्किल वक्त के बाद, जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि मैं हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा करता हूं, अल्लाह कश्मीर के लोगों के लिए इंशाल्लाह आसानी भी पैदा करेगा, उनको आजाद भी करेगा। अब मैं नरेंद्र मोदी, तुम ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं, लगता है आपने आपकी डिग्री जाली थी। ये जो तकब्बर भरी, ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए, दुनिया की दो सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया, उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी, उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे, जो रूस की सर्दी से पहले ही हम वापस आ जाएंगे फतह करके। दोनों फौजें रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई, क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम है। यहां साथ अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज 19 साल से अफगानिस्तान में है, इनके भी जनरलों ने कहा था कि ये चंद हफ्ते की गेम है। वियतनाम, वहां भी उनके जनरल ने कहा कि चंद हफ्ते में हम फतह कर लेंगे। नरेंद्र मोदी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर वो लोग बसते हैं जो जिनका दीन एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल, एक तरफ तो हमारा अल्लाह कुरान में हमें यह हुक्म देता है इंसानी जान की इतनी कदर है, और दूसरी तरफ अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी जान अगर तुम कुर्बान करते हो तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी और जो आपके
कमांडर इन चीफ ने कहा कि जी मुझे अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हुक्म करेगी तो मैं आजाद कश्मीर को फतह कर लूंगा। मैं आप दोनों के लिए पैगाम देता हूं, ये गलती जिस दिन आपने की, एक तो हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की, ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, ज्यादा पैसा, वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। ये फौज मंजी हुई फौज है, बैटल हार्डन्ड है। यहां लोग अल्लाह के अंदर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह कहता है मेरे मीरपुर के पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, अल्लाह कहता है कि मैंने मुंतखब किया है जिस दिन तुमने इस दुनिया से जाना है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। यह हमारा ईमान है, इसलिए यहां कोई मौत से नहीं डरता। यहां हम किसी किस्म, ये पुरमन मुल्क है, लेकिन अगर तुम्हें ये देखा कि हिंदुस्तान में पहले तो आपने ये जो कानून बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट और सिटीजन एक्ट, इसकी वजह से अगर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आपके खिलाफ नफरत बढ़ गई है, लोग आपके सामने खड़े हो गए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, तो अगर आपने इस गलत फहमी में ये समझा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेके अपना हिंदू बेस को ऊपर लेके आऊंगा, मोदी इस गलत फहमी में ना रहना, ये आपकी आखिरी गलती होगी। मैं आज फिर अपने कश्मीर के जो 80 लाख मेरे कश्मीरी बहन भाई बच्चे बुजुर्ग नौजवान जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आज यहाँ सारे पाकिस्तानियों की तरफ से, अपने आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरफ से आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम हर रोज आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, आपको सब्र दे, और इंशाल्लाह हर जगह हम दुनिया को बताएंगे आप पे क्या हो रहा है, बताते जाएंगे। और जब भी कश्मीरी, ये कश्मीरी कौम को जब भी हमारे वहां मकबूजा कश्मीर के लोगों को किसी किस्म की इमदाद चाहिए हो, कोई मदद चाहिए हो, हम सब आपके साथ खड़े हैं। मैं आखिर में हाथ खड़ा करके, आज जरा आजाद मकबूजा कश्मीर के लोग देख रहे होंगे, छुप छुप के देख रहे होंगे, कोई जालिम 9 लाख हिंदुस्तान की फौज है, तो बेचारे छुप के देख रहे होंगे, वो देखना चाहते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, आज आप सब उनके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह, और आजाद कश्मीर, कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद करा।